हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने खाटू श्याम जी के लिए ड्रेस और पटका बनाया था, बट वो पटका थोड़ा छोटे साइज का बन गया, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी पगड़ी बना दी जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बीच में एक लेस और ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लेस लग चुकी है और ये कितनी प्यारी लग रही है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट में पगड़ी कैसी लगेगी बनने के बाद, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमने बुकरम ले ली है फोम वाली, तो अब हम इसमें ग्लू को लगाएंगे। अब हम इसमें पटके को चिपका देंगे अच्छी तरह से। हम इसका अच्छे से चिपकने का इंतज़ार करते हैं थोड़ा। ये सूख गया है तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से एक्स्ट्रा फोम को काट देंगे। देखिए, हमने साइड में से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको ऐसे घुमाकर इसमें सुई से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें सुई से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। सिलाई लग चुकी है, अब हम इसमें से ऐसे धागा कट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने ये दूसरी बुकरम ले ली है और अब हम इसकी पंखी बनाएंगे। तो अब उसके लिए ये हमने बुकरम को कर लिया है कट। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से कट कर लेते हैं पहले। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से कट हो चुका है, देखिए। अब हम बुकरम के ऊपर अस्तर को चिपका लेंगे। तो उसके लिए पहले ग्लू लगाते हैं बुकरम के ऊपर। ग्लू लगाने के बाद हम उसमें अस्तर को चिपका लेंगे, और साथ ही हम इसके साथ इसके ऊपर नेट को भी चिपका लेंगे। तो उसके लिए पहले लगाएंगे ग्लू, फिर हम ये लेंगे नेट, फिर इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो अब थोड़ा वेट करेंगे। बुकरम की हमने इसमें से कटिंग कर दी है, तो अब हम इसकी बनाएंगे पंखी। तो पंखी बनाने के लिए हम इसको पहले ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको दूसरी साइड घुमा देंगे, और फिर हम इसको वापस से मोड़ेंगे और फिर वापस से पीछे की साइड घुमा देंगे। इसको ऐसे करते करते पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो अब ये बस पूरा फोल्ड हो ही गया है। तो ये हो गया। तो ये देखिए, इसकी पंखी बन रही है। इतनी प्यारी पंखी बनकर तैयार हो गई है। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें सुई से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई ऐसे लगाएंगे, आप भी अच्छे से देख लीजिए। तो हम इसमें अच्छे से पक्की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई को अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, तो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे खाटू श्याम जी का फाइनली लुक। अब हम इसमें ग्लू को लगा लेंगे। ग्लू को पंखी में लगाने के बाद हम इसमें लेस को चिपकाएंगे। एक ही पंखी लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक वाइट स्टोन चिपका लेंगे। तो उसके लिए पहले लगाते हैं ग्लू, फिर ये हम लेंगे स्टोन, अब इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। तो अब इसका सूखने का थोड़ा वेट करते हैं। तो ग्लू से स्टोन अच्छी तरह से चिपक नहीं पा रहा था, तो अब हम इसमें सिलाई कर रहे हैं, ताकि अच्छे से लग जाए इसमें। तो ये हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। तो ये हम सुई को इसमें लगाएंगे, अब अच्छे से टांका मारेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। अब हम नीचे से धागा लाएंगे और फिर उसको स्टोन में से निकाल कर अच्छे से सिलाई करेंगे।
इसमें अच्छे से सिलाई करेंगे। इसमें पक्की सिलाई करनी पड़ती है, कहीं ये निकल ना जाए इसलिए। तो ये हमने सुई को डाला स्टोन के अंदर और ये हमने इसको खींचा। इसमें सिलाई लग चुकी है तो अब हम इसका धागा कट कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया कैंची से धागा कट। देखिए स्टोन तो इसमें लग चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और बाकी है, तो वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारी वीडियो पर। पहले हम इसमें ग्लू लगाएंगे और फिर हम इसमें एक छोटी सी पंखी को लगा देंगे। तो अब इसका अच्छे से सूखने का हम वेट करेंगे। पता नहीं आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। पंखी अच्छे से सूख चुकी है और ये अच्छे से चिपक भी चुकी है, ये देखिए। तो गाइस अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं एक छोटा स्टोन। तो पहले हम लगा रहे हैं ग्लू और फिर अब हम लगाएंगे इसमें रेड कलर का छोटा स्टोन। तो ये देखिए हमने इसमें लगा दिया है। और वैसे आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी खाटू श्याम जी की ये पगड़ी। और अभी तो खाटू श्याम जी को देखना भी बाकी है, वो कैसे लगेंगे। अभी हम उनको पहनाएंगे ये और उनका आपको फाइनली लुक भी दिखाएंगे। देखा फ्रेंड्स, इस पगड़ी को बनाना बहुत ही इजी था, तो आप भी इसको अपने घर में बनाने की ज़रूर ट्राई करना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सिंपल सी पगड़ी कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने खाटू श्याम जी के लिए ड्रेस बनाई थी और इस वाली वीडियो में हमने उनके लिए पगड़ी बनाई। तो ये देखिए उनका फाइनली लुक कितना प्यारा लग रहा है और वो भी इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियो बनाते रहे, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाइए और हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाते रहेंगे। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय श्री श्याम।